हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट मेडिको लवर्स। आई होप यू ऑल विल बी वेल। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो वी डिस्कस अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? क्योंकि ऐसा होता है, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब बीएससी नर्सिंग में आ जाते हैं और पढ़ने भी लगते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर हमें यही नहीं मतलब यही डिफरेंस नहीं पता कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। अभी हमको यही नहीं पता है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये मेन रीज़न है ना, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा और फिजियोलॉजी के स्पेशलिटीज़ डिवीज़न तक हमने कवर अप कर लिया। और इस वीडियो में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अवर बॉडीज आर ऑर्गेनाइज्ड एट मैनी डिफरेंट लेवल्स। हमारी बॉडी है ना, वो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइज्ड है। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आर, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लेवल है वो स्मॉलेस्ट, फर्स्ट इज एटम्स, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ मैटर। सेकेंड, मॉलिक्यूल्स, एक्टिव केमिकल्स। थर्ड, ऑर्गेनेल्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल। स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उसको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। फोर्थ, सेल्स, द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। फिफ्थ, टिश्यूज, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर। टिश्यूज, सेल्स सबसे छोटी यूनिट है अपनी बॉडी में। फिर जो सेल्स ग्रुप बना के जो हो जाते हैं वो टिश्यूज बोलते हैं, और टिश्यूज का जो ग्रुप होता है उसको ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स टू और मोर टिश्यू टाइप वर्किंग टुगेदर। सेवेंथ, ऑर्गन सिस्टम, टू और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर, इट्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। एट्थ, ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द एबव। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, सबसे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि हम लोग हैं, कोई भी है, मतलब कोई भी पर्सन है, एनिमल है, वो चीज़ें। एक ये टेबल है, देखो, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, केमिकल लेवल, एटम्स बॉन्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेते हैं, उसी टाइप से। क्या ये देखिए पूरा है, देखिए यूरिनरी सिस्टम ट्रैक्ट, ये देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सब हम लोग आगे वीडियोज में यूनिट्स में पढ़ेंगे, सब कुछ मिलेगा। द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 11 इंटरकनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम्स। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर एंड मैनी ऑर्गन फंक्शन इन मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी है वो 11 इंटरकनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम में डिवाइडेड है। ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, जो भी अलग अलग ऑर्गन है ना, वो सारे एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अपना अपना काम करते हैं बट एक साथ करते हैं। अभी ऐसा है, कोई भी अपना काम करना बंद कर दे तो हमारे लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि लिवर काम करना बंद है, अभी हमको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अभी हार्ट काम करना बंद कर दे, हम ही चले जाएंगे, हम ही नहीं बचेंगे, वैसे ही। एंड मैनी ऑर्गन ऑर्गन्स फंक्शन इन मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम, और जो भी बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा काम करते हैं। देखिए, फर्स्ट, इंटरगमेंट्री सिस्टम इंक्लूड द स्किन एंड ड्राइव्ड स्ट्रक्चर्स, इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इंटरगमेंट्री सिस्टम क्या होता है? स्किन से रिलेटेड है, तो इसको याद रखना। अगर कहीं इंटरगमेंट्री एंड लिखा हुआ देखो तो मतलब स्किन। अभी स्किन का वर्क क्या है, प्रोटेक्ट कराता है हमें किसी भी, जैसे एसिड है, कोई भी चीज़ है, अभी मतलब कोई भी हीट है, गर्म चीज़ है, ठंडी चीज़ है, उससे प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। कोई भी रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट कराता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखता है। सेकेंड, द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड बोन्स एंड जॉइंट्स, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, इसमें बोन्स, जितने भी बोन्स आएंगे, जॉइंट्स आएंगी, उन सब की स्टडी हम लोग स्केलेटल सिस्टम में करेंगे, और जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन, इंटरनल ऑर्गन है उनमें प्रोटेक्ट कराता है। लाइक अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा ना, तो जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो आपस में एकदम मीटअप कर जाएंगे, इधर उधर उछल पुछल करते रहेंगे,
अगर स्केलेटल सिस्टम में होगा, बिकॉज स्केलेटल सिस्टम के वजह से सारे ऑर्गन्स डिवाइडेड हैं इधर उधर और अपने बॉडी में एकदम ऐसे मतलब क्या सपोर्ट दिए हुए हैं, ठीक है। थर्ड इज द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है? इंक्लूड स्केलेटल मसल एंड इट प्रोवाइड मूवमेंट। जो भी बॉडी में जॉइंट्स का मूवमेंट, किसी भी ऑर्गन का मूवमेंट होता है वो मस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, ओके। फोर्थ इज द नर्वस सिस्टम। इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन एंड सेंसरी परसेप्शन। जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी एंड नर्व्स आएंगे, ओके। जो कि बॉडी में जो भी रेगुलेशन है, फंक्शन है, हम किसी भी चीज़ को सेंस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये सब चीज़ें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ओके। इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या स्कोप देख रहे हैं। फिफ्थ, एंडोक्राइन सिस्टम। इंक्लूड हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड ग्लैंड्स। इट रेगुलेट्स होम्योस्टेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा? जो भी हॉर्मोन्स हैं अपने बॉडी में, इतने सारे हॉर्मोन्स बनते हैं, HCG, प्रोजेस्टेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन टाइप बहुत सारे हैं, ओके। सो हॉर्मोन कैसे बनते हैं, कैसे सेल्स और ग्लैंड्स वर्क करते हैं और होम्योस्टेसिस कैसे होता है, वो सब चीज़ें, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हो रही है बॉडी की, वो सब चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम में दिखेंगे। एंड सिक्स इज द कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। इंक्लूड्स ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल, इन सब की जो स्टडी है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होगी। ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होती है टिश्यूज तक, उनका ये इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होगा, ठीक है। सेवन इज द लिम्फैटिक्स एंड इम्यून सिस्टम। इंक्लूड लिम्फैटिक वेसल एंड फ्लूइड। जो भी फ्लूइड्स हैं, ये भी चीज़ें हैं, वो लिम्फैटिक और इम्यून सिस्टम में आएंगी। इट इज इन्वॉल्व इन द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शंस हैं और जो भी कैसे फॉरेन एजेंट वगैरह जो अपने बॉडी में एंटर कर जाते हैं, लाइक केमिकल्स, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह, जो भी चीज़ें हैं ना इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है, वो सब चीज़ें हम लोग लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम में देखेंगे। एट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको अच्छे से पता होगा ये इंक्लूड लंग्स एंड एयरवेज। इट इंक्लूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इन सब की स्टडी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम। इंक्लूड ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसी भी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, किसी भी चीज़ का जो भी एब्जॉर्प्शन है, वो सब चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगी, ठीक है। टेंथ क्या है? द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या है? इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर्स, यूरेथ्रा, सब कुछ। ये सब चीज़ों की स्टडी हम लोग यूरिनरी सिस्टम में करेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड वेस्ट रिमूवल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? पहले जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए, और जो भी वेस्ट, लिक्विड वेस्ट रिमूव होगा उसके लिए। एंड द लास्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंक्लूड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ के लिए। सो इट कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, सेक्सेस और मेल फीमेल्स, जो भी जेंडर है, इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस। वैसे तो आपने प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, मतलब डीपली नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, तो अब आगे आके डीपली होगा। सो अब आगे का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाते हो, देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ। सो इफ़ हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कीप रीडिंग एंड स्टे सेफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Please support, guys.